सो बेटे क्रैकिंग का मकसद क्या होगा फिर? क्रैकिंग इज डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गैसोलीन फ्रैक्शन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में गैसोलीन फ्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम आती है। जब आप किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करके गैसोलीन बनाते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, इस लिहाज से क्रैकिंग के टाइप्स बन जाती हैं। या तो आप हीट कर सकते हैं थर्मल क्रैकिंग, या आप स्टीम की मदद से उसको मिक्स कर सकते हैं उस हाइड्रोकार्बन के साथ, उसको क्रैक कर सकते हैं, वो स्टीम क्रैकिंग है, ये ड्राई हीट है, ये स्टीम हीट है। और उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग कैटालिस्ट डालकर ब्रेक कर सकते हैं। जब थर्मल, ये जो हमने एग्जांपल देखी है हमारी बुक पर, ये वाली जो हमने पीछे 700 डिग्री सेल्सियस, ये थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल थी जिसमें हीट किया गया, हायर को लोअर में कन्वर्ट कर लिया गया। हर क्रैकिंग से, हमारी बुक कहती है कि हमें क्रैकिंग से कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि आप टाइप ऑफ क्रैकिंग कौन सी यूज़ करेंगे। अगर आप थर्मल क्रैकिंग करते हैं तो उसके लिए हाई प्रेशर टेम्परेचर की मदद से हीट किया जाता है, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर दिया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे ये अल्केन्स, अल्कीन्स, ये देखिएगा प्रोपीन, इथीन, और हमें वो एक अल्केन सी सेवन वाला मिला था, तो इससे हमें आमतौर पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ये देखिएगा, जो बाई प्रोडक्ट्स के तौर पर, और ये हमारे पास इथीन और प्रोपीन होते हैं। स्टीम क्रैकिंग क्या है? कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स इन वेपर फेज आर मिक्स्ड विद स्टीम। स्टीम के साथ जिसको क्रैक करना होता है हाइड्रोकार्बन को, स्टीम पास करते हैं, मिक्स करते हैं, स्टीम के पास हीट होती है, सारी बात है, और स्टीम के पास जब हीट होगी तो 900 डिग्री सेल्सियस उसका थर्मली, जब आप हीट का उसको कर रहे होते हैं, हीट क्रैक कर रहे होते हैं, और स्टीम का टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा 900 डिग्री सेल्सियस, या आपने याद रखना है बोर्ड में डिफरेंट एमसीक्यूज़ में पूछा जा चुका हुआ है, टेम्परेचर वगैरह भी मिक्स किए जाते हैं स्टीम के साथ, और वो 900 डिग्री सेल्सियस पर वो हीटअप हो जाती है, ब्रेक हो जाते हैं, और हमें भी देता है क्या है? लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन फ्रैक्शन के साथ साथ लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये हमें मिलते हैं वहाँ से। कैटालिटिक क्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया हुआ है, मैं बताता हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, और कैटालिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, आमतौर पर सिलिका और एलोमिना का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। सिलिका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एलोमिना एलोमिनियम ऑक्साइड, इनका मिक्सचर यूज़ करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इससे हमें मिलता क्या है? बेटर क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन जो मिलता है यहाँ से मिलता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन कौन सा होता है? जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, ये देखिएगा। एंड व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक रिफॉर्मिंग में डिस्कस करेंगे। मैं इस हवाले से बात बता दूँ कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है क्रैकिंग, व्हाट इज़ क्रैकिंग गिव इट्स टाइप्स, या व्हाट इज़ क्रैकिंग गिव एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टीम क्रैकिंग शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मल क्रैकिंग शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैटालिटिक क्रैकिंग शॉर्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कैटालिस्ट कोई पूछ ले, या कौन से प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज यूज टू प्रिपेयर या टू गेट द हाई क्वालिटी गैसोलीन या हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, तो सारी बात है वो कैटालिटिक क्रैकिंग होगी। डिफरेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह से ये क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक पूछा गया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, नेक्स्ट रिफॉर्मिंग टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।